हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला किया तो इसराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए जंग छेड़ दी। इस जंग को लड़ने के लिए इसराइल के पास खुद के अपने हथियार हैं। बाकी जिन हथियारों की इसराइल को जरूरत है वो अमेरिका उसे दे ही रहा है, लेकिन हमास का क्या? उसके पास तो खुद के इतने हथियार हैं नहीं। ईरान के पास भी इतने हथियार नहीं है कि उन्हीं के बलबूते हमास इसराइल जैसी महाशक्ति से जंग लड़ सके। तो फिर हमास को इतने घातक हथियार कौन दे रहा है? आखिर वो कौन सा देश है जो इस जंग का असली विलेन है और जिसकी वजह से हमेशा ही दुनिया पर किसी बड़ी जंग का खतरा मंडराता रहता है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अगर आप सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि हमास को हथियार दे कौन रहा है, तो एक लाइन में उसका जवाब है नॉर्थ कोरिया, वही जिसका राष्ट्रपति किम जोंग उन है और जिसे पूरी दुनिया सनकी और पागल तानाशाह के तौर पर जानती है। भले ही अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक के देश नॉर्थ कोरिया पर हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इसकी वजह है उसके हथियार जो वो दूसरे देशों को बेचता है और जिनमें फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए बैठा आतंकी संगठन हमास भी शामिल है। इजिप्ट यानी कि मिस्र, ईरान और पाकिस्तान तीन ऐसे देश हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया हथियार बेचता भी है और उनसे खरीदता भी है। वहीं रूस और चीन दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचती हैं। लेकिन लीबिया, सीरिया, इराक और यमन ऐसे चार देश हैं जो अपने हथियार नॉर्थ कोरिया से ही खरीदते हैं। अब हमास को भी हथियारों की सप्लाई ईरान, मिस्र और सीरिया के जरिए ही हो रही है, तो ये सारे हथियार नॉर्थ कोरिया के ही हैं जिन्हें अरब देशों के जरिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया है कि इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जो हथियार हमास की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मेड इन नॉर्थ कोरिया ही हैं। नॉर्थ कोरिया के हथियारों को समझने वाले एक्सपर्ट्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिसर्च में दावा किया गया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो पहला मिसाइल अटैक भी किया था वो मिसाइल भी मेड इन नॉर्थ कोरिया ही था। हालांकि नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो आतंकी संगठनों का हथियार नहीं बेचता है, लेकिन हकीकत यही है कि वो जिन देशों को हथियार बेचता है या बेच रहा है उसके वो हथियार उन्हीं देशों के जरिए हमास तक भी पहुंच रहे हैं। और ये अभी की ही बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने पहले भी हमास को हथियार दिए हैं और इसराइल ने एक बार नहीं कई बार इसकी पुष्टि भी की है। इसलिए इस हमले में भी नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल होने से विशेषज्ञों को कोई हैरत नहीं हो रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों को बेचकर $100 मिलियन से $500 बिलियन के बीच पैसे कमाता है, और जो पैसे वो कमाता है उसका इस्तेमाल वो और भी ज्यादा घातक हथियार बनाने के लिए रिसर्च में खर्च कर देता है। तो अभी के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।